वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर आप 6 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उन 5 पार्ट से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज का पहला सवाल देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पोलियो का टीका यानी कि पोलियो की जो वैक्सीन है, इसको सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के टीके को सबसे पहले डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन शॉक। जॉन शॉक के द्वारा ही तैयार की गई थी पोलियो की वैक्सीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे कि पोलियो की वैक्सीन को प्रथम बार कब इस्तेमाल किया गया, तो फर्स्ट यूज़ इसका हुआ था साल 1955 में। पहली बार पोलियो की इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया था 1955 में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हृदय की धड़कन यानी कि जो हार्ट बीट होती है, इसको नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? जो हम ह्यूमन हार्ट बीट होती है, हमारी बॉडी को इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हमारी बॉडी में हेल्प करता है जो हार्ट बीट होती है इसको कंट्रोल करने में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। सवाल नंबर तीसरा, पृथ्वी के परितः घूमने वाले जो कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अगर इससे कोई गेंद जो है बाहर फेंकी जाती है या बाहर गिराई जाती है, तब गेंद की स्थिति क्या होगी? तो वो गेंद जो होगी उस उपग्रह के साथ, उस उपग्रह के समान ही आवर्तकाल से उसके साथ साथ उसी सेम कक्षा में घूमती रहेगी। तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान ही समान आवर्तकाल से सेम स्पीड से उसी के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी, ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं आपके इन एग्जाम्स में। आइए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? जो सनग्लासेस होते हैं, सनग्लासेस की पावर आप जानते हैं ये 0 डायोप्टर होती है सनग्लासेस यानी धूप के चश्मों की पावर। नेक्स्ट सवाल देखें, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश यानी जो रेड लाइट है, इनका प्रयोग किया जाता है क्यों? जो सिग्नल्स होते हैं आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं या फिर दूसरी जगहों पर भी इन सिग्नल्स के इस्तेमाल में रेड लाइट यानी लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है इसकी वेवलेंथ यानी इसकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा। सभी रंगों में लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जिससे जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो सबसे कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर होगा देखिए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसकी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, साइक्लोकोबाल्मिन किस विटामिन का नाम है? यह है विटामिन B12। विटामिन बी ग्रुप का है, विटामिन B12 को हम साइक्लोकोबाल्मिन कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखें, टेट्राइथाइल लेड जिसे हम TEL या टेल बोलते हैं, ये पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। देखिए, एक्चुअली जो इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो इसकी अपस्फोटन दर होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसकी जो एंटी नॉकिंग रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए इसको पेट्रोल में ऐड किया जाता है, टेट्राइथाइल लेड को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है? जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है फ्रूट्स की, फलों को हम पकाते हैं, उसमें किस रसायन का इस्तेमाल हम करते हैं? तो ये होता है हमारे पास क्या, एसिटिलीन की मदद से जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, हरे फलों को पकाया जाता है। ऑप्शन में अगर ये नाम नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में इथिलीन भी मिलेगा, ठीक है, एथिलीन भी मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कार्बाइड, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये तीनों क्या है, ये हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं, एसिटिलीन या इथिलीन या फिर कैल्शियम कार्बाइड। तो इसमें एसिटिलीन ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, जो मिल्क होता है ये दूध किस चीज़ का उदाहरण होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दूध एग्जाम्पल होता है किसका, पायस का। अब ये पायस क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी भी सॉल्यूशन में अगर डाले जाते हैं या मिलाए जाते हैं तो सॉल्यूशन के संपर्क में आने पर वो तुरंत जो है कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन एक तरीके से तैयार कर लेते हैं। जो कोलाइडी सॉल्यूशन बना लेते हैं तुरंत किसी सॉल्यूशन के संपर्क में आने से, वही
पायस कहलाते हैं या द्रव स्नेही कोलाइड भी बोला जाता है इनको। तो ये होते हैं आपके दूध, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं, तो अग्नाशय रस को जो है पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है ये होता है सिक्रेटीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे, इनके परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। तो जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल को इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। जो थर्मोस्टेट होता है इसमें एक्चुअली रेजिस्टेंस होते हैं लगे हुए, तो ये एक समान टेम्परेचर यानी तापमान को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये टेम्परेचर को एक रेंज पर, एक जो है सेम ही रीडिंग पर बनाए रखता है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो डेजर्ट में पौधे उगते हैं, इनकी जड़ें जो हैं सामान्यतः लंबी होती हैं। इसका रीज़न आपको बताना है कि क्यों लंबी होती हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट में आप जानते हैं पानी की जो है कमी होती है, अभाव होती है, जल का अभाव होता है। तो ऐसे में पौधे जो है पानी तक पहुँचने के लिए, इस पानी की खोज के लिए वो जड़ें अंदर तक चली जाती हैं और वो गहराई में लगभग 10 से 15 मीटर की गहराई तक ज़मीन में फैल जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इस हिसाब से जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं और इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी आपको बताना है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि, या इसी को हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पर होती है, हमारे कपाल में होती है या स्कल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर अगला देखें, एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीन, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। हमारी बॉडी है इसमें पित्त कहाँ पर बनता है, तो ये यकृत यानी कि लीवर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है। इन धातुओं में से अगर आप देखेंगे तो सबसे कठोरतम धातु जो रहेगी वो प्लैटिनम है, ऑप्शन सी प्लैटिनम। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, परमाणु का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने में जो मिश्रण का इस्तेमाल होता है, जिसे हम शोल्डर वायर भी कहते हैं, जो शोल्डर होता है वो शोल्डर जो है किस किस का मिश्रण होता है आपको बताना है। तो शोल्डर में एक्चुअली होते हैं, एक तो टिन होता है और दूसरा होता है सीसा। टिन और सीसा, सीसे का मिश्रण होता है जो शोल्डर वायर होता है, इसमें 68% तो होता है सीसा और बाकी 32% टिन होता है इसके अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार, आपने नाम सुना होगा रडार, या इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आती है, ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है। रडार की जो फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार की फुल फॉर्म होती है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो है जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगों की मदद से वस्तुओं की स्थिति और अवस्थिति उपस्थिति का पता लगाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, जो हीरा होता है, डायमंड है, ये चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो इनके जो है इफ़ेक्ट हैं अपने अपने, ठीक है, मेन फिक्स रीज़न है इनके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये हीरा चमकदार दिखाई देता है। विज्ञान के लिए आपको हमने PDF अपलोड किए थे, हैंड रिटन नोट्स के, इन सब क्वेश्चंस की डिटेल में, वहाँ इन सब इफेक्ट को पहले ही पढ़ाया जा चुका है आपको। एक्चुअली इन PDF के माध्यम से हमने कोई डिटेल जो है साइंस की क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन उनको हमने इन सभी सारे जितने भी इफेक्ट हैं, जितने भी हम साइंस में पढ़ते हैं घटनाएं, उन सबको हमने डिस्कस किया था उन PDF के थ्रू। आप ने अगर डाउनलोड नहीं किए तो टेलीग्राम से आप जितनी भी PDF है उनमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ज़रूर। नेक्स्ट देखें,
अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस जो होता है शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से? तो दूषित भोजन और दूषित जल के थ्रू जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, पोलियो का वायरस। अगला देखेंगे, पाइरोमीटर जो होता है ये पाइरोमीटर निम्नांकित में से किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो हाई टेम्परेचर होते हैं पाइरोमीटर या उत्ताप मापी जो होते हैं वो, ये हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये है उच्च तापमान, ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, सोलर एनर्जी जो है, ये जो है किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा को जो है ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यह प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? अभी देखा था ये क्वेश्चन हमने, जो टेट्रा इथाइल लेड होता है, TEL इसको बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, इसका इस्तेमाल किया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, इसको ऐड किया जाता है पेट्रोल में। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, इसकी संकल्पना को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे ए जी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ये हैं अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, इधर नाभिकीय शक्ति केंद्र है और इधर कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस स्टेट में लगा हुआ है? कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो कहाँ पर आएगा? ये राजस्थान में। तारापुर वाला जो आएगा ये महाराष्ट्र में आएगा, और काकरापारा आएगा कहाँ पर? गुजरात के अंदर, ऑप्शन ये सी का थर्ड होगा। नरोरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो इनको आप ऑलरेडी मैच कर सकते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, इधर जो है दिवस दिए हुए हैं और ये दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? जैसे विश्व तपेदिक दिवस है इसी को हम बोलते हैं विश्व टीबी दिवस, या इसी को विश्व क्षय रोग दिवस इसको बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। तो इसको मैच करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 26 नहीं होगा, 24 मार्च, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस। वर्ल्ड्स एड्स डे इसको आप जानते हैं, ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व एड्स दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। ये हो गए आपके मैचिंग। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। बिल्कुल सही है ये पहला स्टेटमेंट, इसका कारण है जो गोल्डन राइस, इसका पीलापन जो है बीटा कैरेटीन की वजह से है, बीटा कैरेटीन की मात्रा अधिक होने से जो शरीर में जो है विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जो विटामिन ए है यानी बीटा कैरेटीन, एक तरीके से ये विशेष रूप से विटामिन ए की ही आपूर्ति करता है हमारे शरीर में। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण जो बढ़ते रोगों से जल्दी से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास इसीलिए किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट और कारण इसके दोनों सही हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर अगला है, सिंगोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। यानी एक तरीके से पहले जो सिंकोना ट्री थी, सिंकोना की छाल से जो कुनैन तैयार की जाती थी वो मलेरिया की एक बहुत बेहतरीन दवा मानी जाती थी, लेकिन इसकी जगह पर एक कृत्रिम औषधि है, आर्टिफिशियल मेडिसिन है, इसका नाम है क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन है इसका ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्वीन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस दवा को अब जो है इस कुनैन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आज का लास्ट देखेंगे, आजकल सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है
कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होता है सोडियम। तो पीले लैंपों में जो है सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें कि अयोध्या अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। वहाँ पर हमसे एक सिली मिस्टेक हुई थी उसमें अयोध्या के बारे में, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। बाकी आप सब लोगों को पता ही है ये, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिला दिया उसमें, कमेंट देखे हैं मैंने आप लोगों के, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है ये, तो इसका आंसर अयोध्या, अगर आपसे पूछेगा अयोध्या जो है अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे पर, किस रिवर की बैंक पर है, तो आंसर होगा सरयू रिवर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है कई बार पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।